ओम शांति। 6/9/2023 यानी 6 सितंबर 2023 की मुरली। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सर्विस करने का शौक रखो, विशाल बुद्धि बन करके सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालो, सर्विस करने के भिन्न भिन्न तरीके निकालो। जो बातें बिगर अर्थ के हैं उन्हें करेक्ट करो, सही करो। आज का प्रश्न है, आत्मा जो अजामिल जैसी गंदी बन गई है उनको साफ करने का साधन क्या है? तो इसका उत्तर है, उसे एक जान मान सरोवर में डुबो दो। अगर एक जान सागर में डूबे रहे तो आत्मा की मैल साफ हो जाएगी। फिर आज का दूसरा प्रश्न है, ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? तो इसका उत्तर है, ब्राह्मण अगर बाप की आज्ञा ना माने तो यह बहुत बड़ा पाप है। बाप की पहली आज्ञा है कि तुम मुझे निरंतर याद करो, लेकिन बच्चे इसमें ही फेल हो जाते हैं। फिर माया कोई न कोई विकर्म करा देती है। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में क्या आता है, कौन आया है? बाप, टीचर, सतगुरु। मात पिता अक्षर तो जरूर चाहिए। मात पिता अक्षर भारत में प्रचलित है। तुम मात पिता, पीछे तुम कह सकते हो बाप दादा। वैसे तो मात पिता में बाप दादा आ जाता है, परंतु नहीं, यह समझाने का तरीका है। क्योंकि बाप है, माँ भी जरूर चाहिए। अब माता पहले कौन है? यह है गुप्त ते गुप्त बात जो कोई समझ ना सके। क्या प्रजापिता ब्रह्मा होने से भी माता चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा के साथ कोई प्रजापत्नी भी चाहिए? नहीं, प्रजापत्नी नहीं चाहिए, क्योंकि यह मुख वंशावली है, इसमें ब्रह्मा की पत्नी कोई हो नहीं सकती। यह बहुत गुप्त और गंभीर बातें हैं। इसे समझने और धारण करने के लिए बुद्धि चाहिए। यह एक ही बाप हैं जो बच्चों के सम्मुख आते हैं। तुम तो समझते हो मात पिता बाप दादा सम्मुख आया है। बच्चे बाहर में सर्विस करते हैं, सेंटर पर जो रहते हैं वह यह नहीं समझेंगे कि मात पिता बाप दादा सम्मुख आए हैं। वह समझेंगे फलानी बीके वा ब्रह्मा कुमारी आई है, यह मम्मा एडाप्ट की हुई है। सबसे लकी सितारा, भाग्यवान सितारा जगत अम्बा है। यह संभालने के लिए मुख्य है, इसलिए इन पर कलश रहता है। और यह ब्रह्मा तो हो गई ब्रह्मपुत्रा मेल के रूप में, तो सरस्वती जरूर चाहिए। सरस्वती को ही जगत अम्बा कहा जाए, इस मेल को तो जगत अम्बा नहीं कहेंगे, इस ब्रह्मा को तो जगत अम्बा नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा तो है पुरुष। यह बड़ा अच्छा राज है जो कोई भी गीता भागवत में नहीं है। शास्त्रों में कहानियाँ बैठ लिखी हैं। 5,000 वर्ष पहले व 2,500 वर्ष पहले क्या हुआ था सो बैठ लिखते हैं। वह नाम रूप देश काल तो कुछ है नहीं, नाटक भी अनेक प्रकार के बनाते हैं। यह बाप बैठ सम्मुख अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे हर एक बात को पूरा समझ जाएं। इन गीतों में भी कई बिगर अर्थ अक्षर हैं। अब आकाश तत्व तो यह है, इसमें तो हम बैठे हैं। जिस पारलौकिक बाप को सब याद करते हैं
वह कोई आकाश तत्व से आते नहीं हैं। अगर श्री कृष्ण की आत्मा कहें तो श्री कृष्ण की आत्मा तो यहाँ ही है। सब मुख्य मुख्य आत्माएं धर्म स्थापक आदि यहाँ ही हैं। श्री कृष्ण की आत्मा भी 84वें जन्म में यहाँ ही है। उनकी आत्मा को तो बुला ना सकें। यह परमपिता परमात्मा को बुलाया जाता है कि आओ, अपना महतत्व निर्वाण धाम छोड़कर वहाँ से आओ। तुम आत्माओं का सिंहासन तो महतत्व है। आकाश में तो तुम जीव आत्माएं रहती हो। यह मांडवा है खेल चलने का। जब गीत सुनते हो तो दिल में अपने आप ही करेक्ट करते जाओ। यह तो जिन्होंने नाटक बनाए हैं उन्होंने ही फिर गीत भी बनाए हैं। फिल्म शूट करने वालों को भी समझाना चाहिए, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा राय देते हैं सर्विस करने के लिए। यह ड्रामा जिसने बनाया है उन्हें समझाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, इतनी समझ चाहिए। बाप तो हमें डायरेक्शन देंगे, बाप तो हमें केवल रास्ता बताएंगे। बाप को तो जाकर नहीं पूछना है। बाप तुम बच्चों को डायरेक्शन देंगे कि ऐसे ऐसे करो, श्रीमत पर चलो। वास्तव में धरती यह भारत खंड है। भारत में ही उनका आना होता है। भारत ही उनका बर्थ प्लेस है। भारत ही उनका जन्म स्थान है। सभी उस निराकार फादर को ही बुलाते हैं। श्री कृष्ण तो सबका फादर है नहीं, श्री कृष्ण तो सबका बाप है नहीं। और मुरली जो दिखाते हैं वह कोई काठ की तुतारी तो नहीं है जो श्री कृष्ण के हाथ में देते हैं। मुरली तो वास्तव में एक ज्ञान की है। गार्डेज ऑफ नॉलेज सरस्वती को कहते हैं, एक ज्ञान की देवी सरस्वती को कहते हैं। राधे को नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। यह तो जोड़ी है बाप और बच्चे की। सरस्वती को कहा जाता है गार्डेज ऑफ नॉलेज, एक ज्ञान की देवी। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी गार्ड ऑफ नॉलेज होना चाहिए। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी एक ज्ञान का देवता होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा के लिए तो गाया नहीं जाता। गार्ड इज नॉलेज फुल कहा जाता है। ईश्वर एक ज्ञान का सागर है यह कहा जाता है। ब्रह्मा नॉलेज फुल नहीं, गॉड इज नॉलेज फुल। ब्रह्मा को एक ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, परमपिता परमात्मा को एक ज्ञान का सागर कहा जाता है। ब्रह्मा नॉलेज फुल नहीं कहा जाता, गॉड इज नॉलेज फुल कहा जाता है। परमपिता परमात्मा एक ज्ञान का सागर है तो जरूर अपने बच्चों को एक ज्ञान देंगे। पहले पहले इनमें प्रवेश कर इन द्वारा दूसरों को देते हैं। इनमें सब लकी सितारे आ जाते हैं। एक ज्ञान सूर्य, फिर एक ज्ञान चंद्रमा, यह ब्रह्मा हुए। फिर चाहिए एक ज्ञान चंद्रमा के नज़दीक एक सितारा जो चंद्रमा के सामने खड़ा रहता है। वह बहुत तीखा होता है। उनको एक जान लकी सितारा कहेंगे। उनका नाम सरस्वती रखा हुआ है। सरस्वती बेटी हो गई ना, यह तो बाप भी हुआ, बड़ी नदी भी हुई। बहुत बड़ी नदी है। सब नदियों का मेल सागर में होता है। सागर और नदियों का मेला होता है। सरस्वती भी सागर में मिलती है। उनका मेला नहीं लगता है, मेला ब्रह्मपुत्रा नदी का लगता है।
यह नदी बंडर फुल है, मेल है पुरुष है। नदी तो फीमेल को कहा जाता है, नदी तो स्त्री को कहा जाता है। यह गुप्त राज बहुत समझने लायक है, परंतु यह बातें पहले पहले कोई को नहीं बतानी चाहिए। पहले तो लौकिक माता पिता और पारलौकिक माता पिता का राज समझाना चाहिए। लौकिक माता पिता से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख का वर्षा मिलता आया है, यह तो पक्का याद रहना चाहिए। दूसरा कोई दो बाप का राज समझा ना सके, वह तो जानते ही नहीं हैं। गाते हैं तुम माता पिता, अब पिता सर्वव्यापी है तो माता कहाँ गई, यह समझने की बात है ना। माता पिता चाहिए ना, माता पिता कहा जाता है निराकार को, परंतु यह समझते नहीं है कि इनको माता पिता क्यों कहा जाता है, वह तो गॉडफादर है। फिर कहते हैं एडम और ईव, एडम ही ईव है, यह नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा वही फिर माता हो जाती है, एडम और ईव अथवा आदम बीबी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझ सकते हैं। बच्चे समझ सकते हैं आदम बीबी वास्तव में यह है, बीबी सो आदम है, इनको बीबी आदम दोनों कह देते हैं। वह तो है बाप, यह बड़ी पेचीली बातें हैं, यह बातें किसी की समझ में नहीं आती हैं। भारत में गाते भी हैं तुम माता पिता, ऐसे ही सुनी सुनाई पर गाते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। सतयुग को बहुत दूर ले गए हैं, सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं, लांग लांग भी कितना। कहानी तो नज़दीक की ही सुनाई जाती है, तुम समझा सकते हो लांग लांग एगो यानी 5000 वर्ष पहले इस भारत में देवी देवताओं का अखंड अटल सुख शांतिमय राज्य था, और कोई राज्य नहीं था। यह अक्षर कोई विद्वान आचार्य कह नहीं सकते, देवी देवताओं का राज्य था। मालूम होना चाहिए कि यह राज्य कैसे स्थापन हुआ, लक्ष्मी नारायण कैसे बने, कैसे उन्हों की राजाई स्थापन हुई। उनके पहले तो कलयुग था, बरोबर कलयुग का अंत अब है, और कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। सतयुग अब सामने आ गया है, जो लांग लांग था वह सामने आ गया। 84 जन्म लेते लेते अब कलयुग का अंत आकर हुआ है। अभी तुमको कहेंगे 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का सतयुग में राज्य था, अभी नहीं है, अभी टाइम आकर पूरा हुआ है, फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। यह तुम्हारी बुद्धि में है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। यह है समझाने की बात, यह तो सच्ची गीता आदि इसलिए लिखी जाती है कि कोई पढ़कर रिफ्रेश होते रहें। यह जानते हैं कि जो लिखा है वह फिर प्रायः लोप हो जाएगा, यह सच्ची गीता भी नहीं रहेगी। जो तुम लिखते हो वह सच्चा ज्ञान प्रायः लोप हो जाना है, और साथ साथ शास्त्र भी सब प्रायः लोप हो जाएंगे। सतयुग त्रेता में शास्त्र होते नहीं, फिर कल्प पहले जैसे द्वापर से बने थे वैसे बनने लग पड़ेंगे। यह है भक्ति मार्ग की सामग्री, रचना की सामग्री बहुत बड़ी है। तुम एग्जाम सेकंड में ले लेते हो,
सारी रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। अंगे अखरे यानी तिथि तारीख सहित पूरा हिसाब किताब तुम बच्चों के पास है। 84 जन्म सब नहीं लेते हैं, कोई 70 जन्म लेते, कोई 60 जन्म लेते, कोई 2 जन्म भी लेते हैं। वह सारा मिनिमम और मैक्सिमम का हिसाब है। पीछे आने वालों के जरूर नंबर बार थोड़े थोड़े जन्म होंगे, उसका फिर विस्तार करना फालतू हो जाता है। तुम बच्चे नटसेल में समझ सकते हो, 84 लाख जन्म तो है नहीं, 84 जन्म भी हर एक नहीं ले सकते हैं। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं कि 84 का चक्र है, 84 लाख जन्मों का चक्र नहीं गाया जाता। पाप कपट की छाया पड़ गई है, अब रावण का राज्य है ना। आत्मा पर मैल की छाया पड़ते पड़ते अब बिल्कुल ही अजामिल हो गए हैं। इतनी मैल चढ़ी है जो साफ होती ही नहीं। उस मैल को निकालने के लिए फिर गाया हुआ है एक जान मानसरोवर, उसमें डूबा रहे। जैसे जंग लगती है तो उसको उतारने के लिए घासलेट में डाला जाता है, यह भी आत्मा में जंग लगी है, इसलिए एक जान सागर में डूबे रहो। कोई पानी की नदी व सागर की बात नहीं है, एक जान सागर जो एक जान देते हैं उस नॉलेज में तत्पर रहना है। गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है, उसमें कोई मत चाहिए तो लेते रहो। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है, सर्जन सबके लिए एक ही दवा नहीं देते हैं, डॉक्टर सभी के लिए एक ही दवाई नहीं देता है। जिसका जैसा मर्ज होता है उसको वैसी दवाई देता है। तो हर एक का कर्म बंधन, हर एक की बीमारी अपनी अपनी है। यह 5 विकारों की बीमारी महाभारी है। इस बीमारी को कोई जानते ही नहीं है कि यह बीमारी कब से शुरू होती है। आत्मा को बीमारी लगने से शरीर को भी बीमारी लग जाती है। आत्मा में दुख पड़ता है तो शरीर में भी पड़ जाता है। यह बातें शास्त्रों में नहीं हैं, वह तो भक्ति मार्ग का भक्ति कांड है। भक्ति का भी बाबा ने बताया है कि पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर रजोगुणी व्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी तमोगुणी भक्ति। जैसी जैसी भक्तों की अवस्था वैसी भक्ति भी हो जाती है। एक जान भी ऐसे उतरता है, पहले 16 कला, फिर 14 कला, फिर 12 कला। प्रारब्ध जो बनती है वह फिर उतरती जाती है। तुम बच्चे जानते हो यह कमाई है, कमाई में विघ्न तो पड़ते ही हैं, दशाएं बदलती हैं। पूछते हैं कि हमारे ऊपर कौन सी दशा बैठी हुई है, फिर वह लोग बतलाते हैं। इस सच्ची कमाई में भी बच्चों पर दशाएं बैठती हैं। कोई पर राहु की दशा बैठती है तो काला मुंह कर लेते हैं। बृहस्पति की दशा थी लेकिन फिर माया ने थप्पड़ लगाया तो राहु की दशा बैठ गई। काम में गिरा, विकार में गिरा और फट से राहु का ग्रहण लगा, ताला बंद हो जाता है। यह है गुप्त कड़ी सजा। वह फिर कभी कह नहीं सकेंगे कि भगवान अनुवाच काम महाशत्रु है। सन्यासी भी काम महाशत्रु के कारण ही स्त्री को छोड़ करके चले जाते हैं।
यह भी निवृत्ति मार्ग की पवित्रता भारतवासियों के लिए अच्छी है। भारतवासी ही पवित्र से अपवित्र बनते हैं तो उन्हों को थमाने के लिए यह सन्यासी हैं, मरम्मत के लिए यह पवित्रता है। पवित्रता की ताकत से ही सृष्टि इतना चलती है। अभी तो वे भी पतित बन पड़े हैं, तुम्हें उनकी भी सर्विस करनी है। सर्विस का तुम बच्चों को बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। बेकायदे कोई भी चलन नहीं चलनी है। भले पुरुषार्थी हो, संपूर्ण तो कोई नहीं बना है। कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। बाप की आज्ञा ना माना यह भी बड़ा पाप है। बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। जानता हूँ कि कर नहीं सकेंगे, परंतु तुम पूरा पुरुषार्थ ही नहीं करते हो। जो करेंगे वह अच्छा पद पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर। और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, 5 विकारों की बीमारी से मुक्त होने के लिए सर्जन की राय लेते रहना है। आत्मा पर कोई बीमारी ना लगे इसकी संभाल करनी है। दूसरा है, सच्ची कमाई करनी और करानी है। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलनी है। राहु की दशा कभी ना बैठे इसके लिए बाप के फरमान पर सदा चलना है। आज का वरदान है, याद और सेवा द्वारा सब चक्करों को समाप्त कर समा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं वह सभी चक्करों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। कोई भी चक्र रहा हुआ होगा तो चक्कर ही लगाते रहेंगे। कभी संबंधों का चक्कर, कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्कर, ऐसे व्यर्थ के सभी चक्कर समाप्त तब होंगे जब बुद्धि में सिवाय समा के और कुछ भी ना हो। समा पर फिदा होने वाले समा के समान बन जाते हैं। ऐसे फिदा होने वाले अर्थात समा जाने वाले ही सच्चे परवाने हैं। आज का स्लोगन है, जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती हैं। अगर आज की मुरली आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ओम शांति लिखना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद। ओम शांति।